चैनल, तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है दुविधा हिंदी रैप सॉन्ग बाय लकी लकी यूके लकी। चैनल का नाम क्या है? वही है। तो वीडियो पे रिएक्ट करने के लिए हमें रिक्वेस्ट आई थी, यानी 3 मिनट का रैप सॉन्ग है, तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म से पहले, जन्म से पहले मेरी मौत इंतजार में, कैसे कहूँ कहानियाँ आप सुनो पूरी लंबी कतार में। जन्म हुआ मेरा जेल में, माँ बाप का चेहरा मैंने देखा नहीं, हाँ रोती रही माँ देव की, जुदाई मिली मुझे भेंट में, माँ माँ से मिला उपहार ये। मेरे माता पिता लाचार थे, 6 भाइयों को मारा सामने, आंसू थे माँ की आंखों में, वैसे तो था भगवान में, अजीब सा ये खेल है। मेरे माता पिता मेरे देवता, वो दोनों ही थे जेल में। कर्तव्य मिले मुझे जन्म से, बचपन बीता संघर्ष में, जिस माँ ने पाला पोसा मुझे उससे भी हो गया दूर में। विधि का क्या विधान था, क्या लेख लिखा था कर्मों का, तुम ठीक से रो तो लेते हो, मैं रो भी ना पाया चैन से। कहने को तो मैं सब कुछ था, मैं राजा भी, मैं रंक भी, कष्टों से भरा था जीवन मेरे, दुखों का मेरे अंत नहीं। खेल कूद की उम्र में कर्तव्य मेरे अनेक थे, छुड़वाना था मेरे माता पिता को, कई बरसों से कैद थे। धर्म के चलते कर्म से वो वृंदावन भी छोड़ दिया, मथुरा की उन गलियों से भी अपना दामन मोड़ लिया। वृंदावन के साथ साथ किस्मत भी मेरी टूट गई, हाँ प्राणों से भी प्रिय मेरी वो राधा रानी छूट गई। बांसुरी को भी त्याग दिया, सब छोड़ छाड़ के दूर गया, सुदर्शन धारण करके गाना धुन मुरली की भूल गया। धर्म बचाने की खातिर अब हस्तिनापुर को चला गया, मैं माखन चोरी करता था कभी न्यायाधीश बन गया। समय का चक्र अजीब था, मैं जीत के भी हार गया, धर्म बचाने वाले को दुनिया ने कब की बता दिया। तरह तरह के श्राप मिले, अश्रु की बूंदे सूख गई, माँ गांधारी के श्राप से मेरी द्वारिका नगरी डूब गई, मेरी बांसुरी भी छूट गई, मेरी द्वारिका भी डूब गई। मैंने क्या ही पाया जीवन से जब प्रेमिका ही दूर गई, विश्राम करने लेटा था मैं तीर पैर में, हाल ही तुम जीते जिंदगी चैन से, मुझे मौत चैन ही ना मिली। मानव के इस रूप में मैंने जाने क्या क्या देखा, मेरे वंश का पतन देखा, बरबरीक का मस्तक देखा, द्रौपदी का चीर हरण, अभिमन्यु का अकाल मरण, कुरुक्षेत्र की भूमि में भारी भरकम विध्वंस देखा। यहाँ पे वीडियो खत्म हो चुकी है यार, इसमें इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी गा दिया मुझे। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया बर्थ से स्टार्ट किया ना, लाइक उनके पेरेंट्स जेल में थे, जन जेल में हुआ था और उनके पेरेंट्स को छुड़वाना था। हाँ, और फिर उन्होंने एक लाइन बोली थी, मामा ने मामा रूप में ऐसे उपहार मिले, मतलब सेकंड लाइक परेशानी उनके में जो मामा थे उनके, लाइक जो असुर भेजे थे उनके बचपन में, बाकी उनसे मामा से लास्ट में लड़ना भी था 14 साल की उम्र में, फिर वो छुड़वाया था। और उन्होंने बोला कि मैंने छोटी सी उम्र में उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी, मतलब उन्होंने वो गोवर्धन पर्वत उठाई थी एंड उसके बाद उन्होंने बोला था कि उनको उनके पेरेंट्स को भी छुड़वाना था। उसके बाद वो एक लाइन आई थी कि उन्होंने मुरली छोड़, वो क्या बांसुरी सुदर्शन चक्र धारण, मतलब कि वो दिखा रहे थे महाभारत का फेज आ चुका है एंड हस्तिनापुर की सिचुएशन बताई थी। ऊपर से उन्होंने ये भी कहा कि प्यारी राधा रानी उनको छोड़नी पड़ी थी। ऑल्सो लाइक उनके में ये था ना कि उनके बचपन में लाइक मतलब थोड़ा सा मतलब पहले रासलीला थी और मतलब बांसुरी थी, बाद में उनकी जगह सुदर्शन चक्र आ गया था, रासलीला से डायरेक्ट वो राजा बन गए थे वहाँ के एंड द्वारिका के। ये भी होता है कि श्राप की बहुत इम्पोर्टेंस होती थी पहले के समय में, जब उन्होंने बोला कि गांधारी की वजह से उनका द्वारका नगरी डूब गई थी क्योंकि उन्होंने उनको श्राप दिया था। सबसे लाइक महाभारत में उसका सबसे बड़ा मतलब जो यूज किया गया भगवान कृष्ण के ऊपर वो उनके 4 लाइक उनके हिंदू धर्म में 4 वर्ण बोलते हैं ना, लाइक फर्स्ट इज द वॉरियर क्लास मतलब जो पंडित होते हैं, नेक्स्ट एंड थर्ड इज दिस वन जो मतलब फार्मर्स होते हैं, एंड फोर्थ वन इज सबसे लोएस्ट क्लास अनटचेबल्स।
उसमें देख भगवान कृष्ण ने लाइक सभी का रोल किया था, फर्स्ट लेवल ऑफ वॉरियर वो एक राजा भी थे द्वारका के, नेक्स्ट लेवल ऑफ पंडित वो सबसे बड़े गुणवान भी थे जिनकी युधिष्ठिर ने भी पूजा की थी जब उनका हुआ था, एंड थर्ड इज अबाउट द फार्मर वो लाइक गो भी चढ़ाते थे तो मतलब उन उस क्लास में भी आते थे, फोर्थ वन इज सबसे लाइक लो वाले, तब उन्होंने अर्जुन का तब उन्होंने रथ थामा था तो वो मतलब हर क्लास का काम करे थे भगवान कृष्ण, तो उनमें वर्णों का भेद बताया गया। गाना बहुत ही अच्छे से बनाया गया, सब कुछ रैप अप किया, सब कुछ तो नहीं बोलूंगा मतलब ऊपर ऊपर से रैप अप किया गया, एंड ये भी बोला था कि मैंने उनका अर्जुन का पतन देखा मतलब, और उनकी डेथ कैसे हुई थी आई गेस कृष्ण भगवान की, वो खुद ही उसमें चले गए थे उनके टोस के ऊपर जब शिकारी ने वो तीर मार दिया था ना लाइक जो भगवान कृष्ण थे उनके लाइक एंसिस्टर्स के ऊपर जो श्राप मिला था कि उनका वो नष्ट होंगे, तब उन्होंने ऋषि के साथ एक जोक किया था एक कढ़ाई बांध का लाइक मैं आई एम प्रेग्नेंट, उनके लाइक बेटे ने सामने किया था वो, तब ऋषि ने श्राप दिया था कि तुम्हारा मतलब तुम्हें हल्के में ले रहा है तो तुम्हारे वंश का मतलब एंड होगा, तो श्राप की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी बेसिकली, एंड गाना वाज सुपर्ब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना।